बहुत अच्छा था, सबसे अच्छा गेम है रिवेंज, जो T20 वर्ल्ड कप में आ रहा है। Exactly, revenge! दोस्तों, अगर आप भी भारत के इस शानदार जीत से खुश हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपने मैच तो देख ही लिया होगा। बहरहाल, जो मैंने यहाँ चीजें देखी है, बहुत डिसअपॉइंटिंग थी, वेरी डिसअपॉइंटिंग। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। इसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल द गेम्स एंड द नेल बाइटिंग फिनिश। हाँ, किस किस को चाहिए था नेल बाइटर, ये रहा नेल बाइटर। कह सकते हैं द मदर ऑफ ऑल गेम्स। व्हाट अ ब्रिलियंट मैच बाय इंडिया एंड पाकिस्तान। अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान मैच हार चुका है। पाकिस्तान ये मैच हार गया है इंडिया के हाथों। उफ यार, मैं क्या बोलूं तो बोलूं क्या। पहले बल्लेबाजों ने मारे, किया क्या बल्लेबाजों ने। रही बात मैच की, रोना नहीं है। ये टीम डिजर्व नहीं करती हमारे आंसू। ये मेरे भाई, तूने रोना नहीं है। पाकिस्तान आज अपनी गलती से हारा है। इंडिया की कोई नियत नहीं थी आज का मैच जीतने की, लेकिन भाई तारीफ करनी पड़ेगी, जीत गया मैच। अब कुछ ऐसा हाल हुआ है पाकिस्तानी लोगों का। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की बात हो रही हो और इन भाई साहब की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। चलो देखते हैं मैच देखते टाइम इन भाई साहब का क्या हाल हुआ था। बड़े हालात खराब लग रहे हैं। बाबर भी आउट हो गया, रिजवान भी आउट हो गया, मेरी तो तबीयत बड़ी खराब हो गई है। मैंने कहा मुझे ले जाओ किसी एम्बुलेंस के पास, ले जाओ। दुआ करें हम जीत जाए, उठाओ यार, दुआ करें हम जीत जाए। बीपी मेरा बड़ा लो हो गया। Everything is okay. You think we will win? दुआ करें आप लोग, दुआ करें यार। जब पाकिस्तान के 9 विकेट गिर चुके थे और सिर्फ 1 विकेट बाकी थी, उस टाइम ये भाई साहब खुद मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे थे। विकेट रह गई, मैं खुद जाऊंगा। मैं खुद पानी लेके आए यार, इसको पानी दे, ठीक हो जाएगा सब कुछ। तुम नहीं बस। और नहीं, किधर जा रही हो? और ये स्कूल क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट मैच हो रहा है। बैठ जाओ। दवाई लेके आओ, दवाई। हार्ट अटैक से मतलब इन लोगों को कोई फिक्र ही नहीं होती। रोता आ गया है मेरा नसीब मार। और विराट की जवानी के दिनों से मुकाबला करने के दावेदार आपके कप्तान, इनको जवानी में पुल नहीं मारना आ रहा, तो 4 साल के बाद क्या हाल होगा भाई? यूजुअली जब आप इंडिया और पाकिस्तान की मैच की बात करते हो, और अगर आप लो स्कोरिंग स्पेशली, तो वन साइडेड मैचेस आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ये मैच बहुत ज्यादा क्लोज गया। नसीम शान फिट ना होते, शुरू में कैच हो जाते, चीजें उस वक्त पाकिस्तान की टीम ऑन टॉप थी, नया बॉल था, कुछ ना कुछ हो रहा था, तो उसमें बीट हो रहे हैं, उसमें एज चला गया, इधर से रन मिल गए। तो वो जो कोहली के रन है, मेरा ख्याल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जडेजा के तो है 34 की इनिंग्स, तो उनको जो प्रमोशन मिली, जो 35 रन उन्होंने किए वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो शुरू में रन हो गए उनके कैच छूटने के बाद, वो वाले मेरा ख्याल है वो रन जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पाकिस्तान के लिए। देखे पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती कर गया मैच के स्टार्ट से पहले, टॉस से पहले। हम बार बार कह रहे थे चार फास्ट बॉलर, हम बार बार कह रहे थे फेयर फैक्टर। यह है कि भाई आपने वर्ल्ड कप खेलने जाना ऑस्ट्रेलिया में फास्ट एंड बॉल्स, अगर आपने ऑलराउंडर रखने हैं तो वहां पे आपको मीडियम पेसर या फास्ट बॉलर ऑलराउंडर चाहिए होगा। 20 में 45 रन कोई नहीं करता। इधर हमने इफ्तिखार भेज दिया, उन्होंने जडेजा भेज दिया, तो हम खुद सोचे कि कितनी गलत हरकत है। शादाब को ऊपर भेज दिया, आसिफ अली को नीचे कर दिया। यार आप कर क्या रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आई क्या किसके कप्तानी कर रहा है बाबर आजम। बहरहाल, जो मैंने यहाँ चीजें देखी हैं बहुत डिसअपॉइंटिंग थी, वेरी डिसअपॉइंटिंग। भारत ने एशिया कप में लगातार 4थी बार पाकिस्तान को हराया है। इससे पहले 2016 में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था। इसके बाद 2018 में एशिया कप में टीम इंडिया ने पहले मैच में 8 विकेट और दूसरे मैच में 9 विकेट से हराया था। पीएम मोदी ने भारत को जीत की बधाई दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को जीत की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने लिखा, भारतीय टीम ने आज एशिया कप में मैच में बेहतरीन ऑलराउंडर खेल दिखाया।
एक तरफ भारत के लोग इस जीत से बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीबीसी भारतीय टीम की कमियां निकालने में लगा हुआ है। बीबीसी ने न्यूज दी कि भारत जीता लेकिन पाकिस्तान ने उजागर की कहीं कमजोर कड़ियां। बीबीसी ने ये न्यूज पोस्ट करने के बाद भारतीय लोगों ने बीबीसी की अच्छे से क्लास ली। एक यूजर लिखते है, वो कमियां हमारी टीम सुधार लेगी। वैसे आप ये भी लिख सकते थे कि रोमांचक मैच के बाद भी भारत ने यह मैच पाकिस्तान के मुंह से छीन लिया। कुछ लोगों का नजरिया ही अलग होता है। दोस्तों, जीत जीत होती है। हम तो भारत की इस जीत से बेहद खुश है। अगर आप भी खुश है तो कमेंट करें जय हिंद जय भारत। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।